छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी अब शायद भगवान भरोसे रह गई है। भिवानी प्रशासन की बात करें तो वो अपने कानों में रुई देकर बैठा है। हम बात कर रहे हैं भिवानी के नए बस अड्डे की, जहां पर बारिश के चलते पिछले दो दिनों से सड़क के बीचों बीच 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। बस अड्डे के बाहर ही मुख्य सड़क पर बने इस गड्ढे के कारण कल से लेकर आज तक लगभग 8 छोटी बड़ी गाड़ियां यहां पर पलट चुकी हैं। गाड़ियां पलटने से वहां कई बार जाम की स्थिति भी बनी, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते न तो वो गड्ढा किसी को दिखाई दिया और न ही वहां पर गाड़ियों के पलटने के बाद उनका नुकसान दिखाई दे रहा है। गनीमत यह है कि अब तक किसी की जान नहीं गई। ट्रैफिक इंचार्ज SHO प्रेम सिंह ने कहा कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचना मिली थी कि बस अड्डे के करीब भारी जाम लगा हुआ है। जब वो यहाँ मौके पर पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ लगा हुआ जाम उन्होंने खुलवाया। उन्होंने कहा कि वो कल भी लोक निर्माण विभाग और नेशनल अथॉरिटी के कार्यालय में गए थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। आज विभाग की तरफ से कर्मचारी आए हैं और काम कर रहे हैं। साहब के माध्यम से मिली थी, हम दूसरी साइड में थे, फिर बस स्टैंड के नज़दीक भारी जाम लगा हुआ है, तो हम तुरंत आए जाम को, तो हमने विदिन 5 मिनट वन वे करके खुलवा दी। और इस संबंध में मैं नेशनल हाईवे PWD रेस्ट हाउस के अंदर दफ्तर है, वहाँ भी गया था। वहाँ कल कबीरदास जयंती की वजह से कुछ छुट्टी। पलटी हुई गाड़ी के ड्राइवर मोनू व मालिक ने कहा कि उनकी गाड़ी दिल्ली से भिवानी कपड़ा मिल के लिए धागा लेकर आ रही थी और पानी में उनको ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते गाड़ी पलट गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी प्रशासन की लापरवाही के चलते पलटी है और गाड़ी में लगभग 15 से 20 हजार का नुकसान भी हुआ है। दिल्ली से आया था मैं, गाजीपुर से KTM का धागा लेके आया था, वो इधर गड्ढा था, ये पानी में दिखा नहीं मेरे को, इसमें गाड़ी चल गई।